बढ़ते आगे, एक स्वाट एम्बुलेंस घोटाले में अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल एक स्वाट एम्बुलेंस घोटाले के मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने मुंबई और जयपुर में फर्म के दफ्तर में छापेमारी कर कई दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया है। वही मामले में सचिन पायलट का कहना है कि सरकार ने बदले की राजनीति में एफआईआर दर्ज करवाई है। और अब बात प्याज की। सूबे की सियासत में कांग्रेस की प्याज पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन पर प्याज की आसमान छूती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने गजब तरीका अपनाया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जयपुर के अलग अलग जगह जाकर काउंटर लगा रहे हैं और सस्ती दरों पर प्याज की बिक्री कर रहे हैं। जयपुर के टोंक रोड पर कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं ने प्याज बेचा, जहां सस्ते प्याज खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन्हें प्याज की महिलाएं भी, कांग्रेसियों ने मालाएं पहनी और महिलाओं से राखी बंधवाकर उन्हें बदले में डिब्बों और गिफ्ट पैक के रूप में प्याज भेंट किया। वहीं कांग्रेस के इस विरोध को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया है। जो गूंगी बहरी सरकार है, जो केंद्र से राज्यों तक महंगाई को बढ़ा रही है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को अंजाम दे रही है, उस सरकार को जगाने का एक प्रयास। और आपको विदित है कि कल राखी का पर्व है, ऐसी अवस्था में भी सरकार जो है प्याज की दरों को कम करने या उनको सहकारी उपभोक्ता केंद्रों पर जनता को सीधा किसान से खरीद करके उपलब्ध करवाने में अक्षम रही है, यूं कह सकते हैं बिचौलियों को संरक्षण दे रही है। ऐसी अवस्था में 2 दिवस पूर्व हमने आयोजन किया, सीधे मंडी गए, वहां से 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा और उसी रेट में यहां पर उपलब्ध करवाया। वैसे भी उनके पास कोई काम तो बचा नहीं है, प्याज बेचे, आलू बेचे, इस तरह की तमाशा करेंगे। क्योंकि मैं सीधे तौर पे आरोप लगाती हूँ कि कांग्रेस लोग स्टॉकिस्ट को हमेशा बढ़ावा देते थे, इसी का परिणाम है कि प्याज को भी स्टॉक उन्होंने किया होगा, इसलिए प्याज बेच रहे हैं वो। दूसरी बात यह है कि इस बार प्याज जो महंगा हुआ है, हमें भी दुख होता है कि भाई उपभोक्ता परेशान हो रहा है। तो एक बहुत सुखद स्थिति है, वो मैं बताना चाहूंगी कि किसान बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मोदी जी की योजनाओं से किसान को बहुत लाभ मिला। किसान अपने प्याज को समय पे बेच रहा है और उसको अच्छा मूल्य मिल रहा है। देश में प्याज के दाम क्या बढ़े, प्याज भी लुटेरों के निशाने पर आ गया। न प्याज सुरक्षित है और न ही प्याज बेचने वाले। अलवर के किशनगढ़ बास में बदमाशों ने प्याज से भरे ट्रक को लूट लिया। सभी बदमाश हथियारों से लैस होकर आए थे, जिन्होंने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर जंगल में फेंक दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए। ड्राइवर और खलासी के चिल्लाने पर ग्रामीण पहुंचे और उन्हें आजाद कराया। बताया जा रहा है कि ट्रक में 20 टन प्याज भरा था, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी। ये प्याज गुजरात से लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्याज को मालो, प्याज का बीज, प्याज करीब कितने लागत का? कम से कम 4 लाख रुपए का माल था। 4 लाख का माल? जी। अच्छा, थाने मामला दर्ज करवा दिया? जी, थाने में हमने बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अच्छा, जो प्याज वाला है वो चोरी का मामला है कि साहब, वो जो ड्राइवर खलासी थे वो कहीं सो रहे थे और उनके ट्रक को कोई ले गया, तो उसको भी अभी देख रहे हैं। प्रदेश बीजेपी में होने वाले संगठन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश बीजेपी में 4 चरणों में होने वाले चुनाव की शुरुआत 20 सितंबर से होगी, जबकि अंतिम चरण में प्रदेश अध्यक्ष के लिए 20 नवंबर को चुनाव होगा। प्रदेश में 20 सितंबर को बूथ स्तर पर संगठन चुनाव होंगे, जबकि 10 अक्टूबर को मंडल अध्यक्ष के चुनाव होंगे। जिलाध्यक्ष के चुनाव 30 अक्टूबर को होंगे, जबकि उसके बाद 20 नवंबर को प्रदेश स्तर यानी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव प्रभारी श्याम शर्मा के मुताबिक 20 सितंबर से पहले बूथ स्तर पर सक्रिय सदस्यों की सूची जारी कर दी जाएगी। बीजेपी में संगठन चुनाव के ऐलान के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। केंद्रीय नेतृत्व के इस ऐलान के बाद संगठन में खाली पड़े पदों पर फिलहाल चुनाव तक किसी की नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे में सबसे ज्यादा झटका उन मोर्चा और शहर अध्यक्षों को लगा है, जिन्होंने पद संभालने के बाद अब तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया। ये ऐसे मोर्चे हैं जिनके प्रदेश कार्यकारिणी अब तक नहीं बनी है। वह जयपुर शहर और जयपुर देहात ऐसी जिला इकाइयां हैं जिनके अध्यक्ष भी 1 साल से अधिक समय निकलने के बाद भी अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पाए। ऐसे में जो कार्यकर्ता और नेता इनकी टीम में पद लेना चाहते थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है और वो अब चुनाव के बाद संगठन की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।
इस संगठनात्मक दौर में सब लोग नीचे से ऊपर की ओर लगेंगे, उसके बाद ही और कोई कार्य होगा। विशेष तौर पे मुझे लगा कि अभी काम के लिए सारी व्यवस्थाओं के रूप में जहां नई घोषणा हुई है तो प्रभारी बना के और इस प्रकार से काम तो ले ही रहे, काम तो रुकेगा नहीं, चुनाव जब तक होगा लेकिन संगठन के काम रुकेंगे नहीं, तो काम तो करना है, चाहे प्रभारी बना के करें चाहे जिला संयोजक बना के करें, काम तो सबसे करवाना ही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अजमेर नगर निगम के मेयर पद और अन्य नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए निकाले गए लॉटरी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है और जांच की मांग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राम लुभाए को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने आरोप लगाया कि अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी आरुषि मलिक ने लॉटरी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी भाजपा नेताओं के दबाव में दोबारा लॉटरी निकाली और बीजेपी प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से लॉटरी प्रक्रिया में कथित धांधली की जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं निर्वाचन आयुक्त राम लुभाए ने कांग्रेस को जांच का आश्वासन दिया है। आसपुर पंचायत समिति की सकानी ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा सामने आया जहां मुर्दों के नाम पर लाखों के वारे न्यारे किए गए। यहां मनरेगा योजना के तहत मास्टर रोल में फर्जी नाम चढ़ाकर मजदूर की मद से लाखों रुपए डकार लिए गए। जानकारी के मुताबिक पंचायत ने साल 2007 से लेकर 2014 तक सरकारी कर्मचारी और मरे हुए लोगों के नाम मास्टर रोल में फर्जी तरीके से चढ़ाए और फिर उनका फर्जी भुगतान बनाकर मिनी बैंक से मिली भगत की गई और इसके बाद सरकार को लाखों की चपत लगाई गई। इस पूरी घपलेबाजी में मिट से लेकर सरपंच, उप सरपंच, सचिव और मिनी बैंक मैनेजर भी शामिल है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब लोगों को पंचायत की दीवार पर उनका नाम और ऑनलाइन डाले गए डाटा का पता चला। और मेरे घर में मरी ने 2011 में डेट हुई है और 13 तक पैसे उठे हैं, मेरे सात से पैसे उठ रहे हैं मेरे खाते से और मेरे घर में कोई काम पे जाने वाला नहीं है और तीन बच्चियां हैं वो तो पढ़ने जाती है। इसके बाद मैंने कम से कम 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, एक्सीडेंट हुआ मेरे, तब से तो मैं घर पे ही जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता। शांति के तमाम अपीलों के बाद चूरू में शुक्रवार शाम कुछ उपद्रवियों ने पीएनबी के एटीएम में तोड़फोड़ की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं मंत्री राजेंद्र राठौड़ और व्यापार मंडल के बीच बैठक के बाद व्यापारियों ने शनिवार को दुकानें खोलने का निर्णय किया है। आपको बता दें चूरू में मवेशियों के शव दबे मिलने के बाद से तनाव जारी है। गुरुवार रात एक बस, ट्रक और दर्जन भर दुकानों में आग लगा दी गई। इलाके में फैले तनाव को देखते धारा 144 भी लगाई गई। बाजार, स्कूल, कॉलेज बंद रहे। समाज चार प्लस भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, जबकि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए समाचार प्लस शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। राजस्थान के माथे पर और चूरू के माथे पर दो किसी का कलंक लगा, दोषियों को पुलिस ने पकड़ा है, उनको सजा मिले इसकी चिंता सरकार करेगी, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता भी सरकार करेगी। जिनके नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाएंगे और पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सभी लोगों से आज बैठक करके जिला कलेक्ट्रेट में 9:30 बजे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए असामाजिक तत्व है वो ऐसे अवसरों की तलाश में होते हैं कि कोई पर्व आ जाए उससे पूर्व ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाए जिससे कि तनाव फैल जाए। तो हम तो यही अपील करेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, सरकार भी इसको संजीदगी के साथ ले और वातावरण को नॉर्मल करने में अपने सहयोग करे और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन भी इसमें सतर्क रहे और आमजन से भी अपील करेंगे चूंकि रक्षाबंधन का पर्व है, आपसी भाईचारा बना रहे, तो स्थितियां बहुत विकट है और इस पर काबू पाया जाना चाहिए। बहुत ही दुखदायी है ये खबर कि आपस में दो पूरा ही चूरू डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ 144 भी लागू हो गई है। मेरा तो यही कहना है कि इस विषय को शांति से निपटाया जा सकता है, हिंसा किसी चीज़ का उत्तर नहीं है, आपस में मिल बैठ के इस बात को की जाएगी। प्रशासन भी अलर्ट है, मुख्यमंत्री जी भी देख रही होंगी इस विषय को, तो नागरिकों से अपील है कि वो लड़ाई झगड़ा हिंसा में चूरू को डिस्टर्ब नहीं करें, उन सबसे अपील है कि बैठ के बात करें। कोटा में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारे ने कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कटारे ने अधिकारियों को गश्त बढ़ाने, अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिस कार्यों की गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही अपराध पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 7 महीनों में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। गृह मंत्री ने 7 महीने में केवल 24 मामलों का केस ऑफिसर स्कीम में लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मैंने अब तक इन रेंज मीटिंग में देखा
कि राजस्थान में अपराध का धीरे धीरे ग्राफ नीचे आ रहा है। 12 से 13 में जो अपराध थे वो 14.7% की रफ्तार से बढ़े थे। देवली में एक परिवार के 4 लोगों पर एक शख्स ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमले में एक युवक की मौत हो गई जबकि महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना आमरवासी गांव की है जहां रमेश बलाई नाम के शख्स ने किराए पर रह रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि रमेश मकान मालिक का रिश्तेदार है जो कि पीड़ित परिवार पर घर खाली करने का दावा बना रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी दोनों बच्चे बाहर सोते हुए थे, ऐसा ने कुल्हाड़ी से हमला किया। बड़ा बच्चे का नाम दया राम है, उसने मेरे को आवाज़ लगाई बेहोशी हालत में ही। पति पत्नी हम अंदर सोते हुए सो रहे थे, अचानक बाहर निकला तो दोनों बच्चे गायब। फिर मेरे ऊपर को कुल्हाड़ी लेके दौड़ा। मैं पुलिस थाना हनुमानगढ़ का जाप्ता के सरकारी जीप के मौके पहुँचे। पहुँच कर आरोपी को राउंड अप किया, आरोपी रमेश को राउंड अप किया। कामा में चाय बेचने वाले को पुलिसकर्मियों से पैसे मांगना भारी पड़ गया। चाय के पैसे मांगे जाने से नाराज यूपी के पुलिस वालों ने चाय विक्रेता को बुरी तरीके से पीटा है। घटना धिलावटी टोल नाके के पास की है जहां पीड़ित युवक राजस्थान यूपी के बॉर्डर के पास चाय का खोखा चलाता है। युवक आरोप है कि यूपी के नंदगांव चौकी के पुलिसकर्मियों चाय सिगरेट के पैसे मांगने पर उसके साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मेरी टोल टैक्स के पास दुकान थी, वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी। वहाँ उसने उन्होंने चाय पी थी और सिगरेट की डिब्बी मांगी थी, सिगरेट दे दी, चाय पी दे दी। मैंने उससे पैसे मांगे थे पुलिस वारंट से, तो उनने मार कूट की और पैसे लूटे मेरे। प्रेमचंद पुत्र राम प्रसाद की चाय की दुकान है जिस पर नंदगांव चौकी पुलिस ने आके मारपीट की, जिसका मुकदमा थाना कामा में राम प्रसाद में दर्ज कराया। झुंझुनू से एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग लड़की ने एक व्यापारी और उसके 2 साथियों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों उसे बहाने से अपने साथ ले गए और अग्रसेन सर्कल पर स्थित एक मकान में उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित की रिपोर्ट ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। कल उन्होंने फोन किया मिलने को, कहा फिर मैं फोन घर छोड़ गई, बाहर चली गई, पीछे से उन्होंने फोन किया और फोन मेरी बेटी ने उठाया तो घर आ गए तो स्कूटी पे और एक मोटरसाइकिल पे, और बेटी को कहा कि तेरी माँ की लग गई है, ये कह के मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए और झुंझुनू के पास भीड़ में एक मकान में बलात्कार किया। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर अनुसंधान किया जाए। जयपुर पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में दबिश देकर 48 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। मामला भांकरोटा इलाके का है जहां पुलिस को राज चिड़िया रेस्टोरेंट में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इससे पहले रेस्टोरेंट में अनैतिक काम होने की सूचना भी पुलिस को मिलती रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस की टीम को देखते ही लोग भागने की कोशिश करने लगे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट के पास खड़ी 10 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। बागडोडा थाना इलाके में स्थित राज चिड़िया रेस्टोरेंट में कल देर रात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 48 पुरुष और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में किसी तरह का झगड़ा हो रहा है, जिसके बाद डीसीपी राहुल जैन की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 48 पुरुष और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने होटल के बाहर से कुछ लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया है जो कि अभी थाने में खड़ी हैं। इसके साथ जो पुरुष और युवतियां गिरफ्तार किए गए थे वो भी थाने में मौजूद है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस कुछ ही समय में इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विनय पंत, समाचार प्लस, जयपुर। सीकर के कठोल गांव के जंगलों में एक नाबालिग लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक लड़की के परिजनों ने वारदात में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर वारदात की जगह का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई वारदात की तस्वीर साफ हो पाएगी। साथ ही मामले में आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है।
पुष्कर में एक होटल से पुलिस ने चार आरोपियों को देह व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें महाराजा होटल में देह व्यापार होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते पुलिस ने दो लड़के और दो लड़कियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पीटा एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह में शामिल और लोगों की तलाश कर रही है। अजमेर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक बलात्कारी को 4 साल बाद उसके गुनाहों की सजा सुनाई। कोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को 7 साल की सजा के साथ ही उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के अंदर जुर्माना चुकाने के आदेश दिए। आपको बता दें कि 2011 में सदर कोतवाली में पीड़ित ने उमेश नाम के शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं अभी इस मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चालान पेंडिंग है। सन 2011 में एक उमेश विजयवर्गीय है, सनो बालकिशन निवासी बीकानेर, इसके विरुद्ध बलात्कार चोरी का मामला दर्ज करवाया था। तो आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 4 माननीय चक्रवर्ती महोदय जी ने सजा सुनाई है। बारा में एसीबी ने एक शर्मसार करने वाले मामले में महिला थानाधिकारी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना प्रभारी जया वर्मा ने दहेज प्रताड़ित महिला को जेल भेजने की धमकी देकर 20,000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन बातचीत के बाद सौदा 5,000 में तय हुआ, जिसके बाद परिवादी ने मामले की शिकायत एसीबी में की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने थाना प्रभारी और कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 5,000 रुपये की राशि भी बरामद किए। और दूसरी ओर कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी मीडिया वालों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कार्यालय में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसके भाई के खिलाफ महिला थाने में उसकी भाभी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि शादी को 19 साल हो चुके हैं, फिर भी दहेज का मुकदमा उसने झूठा दर्ज करा दिया है। सीकर के नवलगढ़ में भूमि अधिग्रहण के विरोध में आयोजित सभा में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव शामिल हुए। योगेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश के किसानों के हालात खराब है, ऐसे में सरकार उनकी जमीन छीनने में लगी है, इसी वजह से वे भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर फैक्ट्री मालिकों की मनमानी पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। तो 45 किसान संगठन हमारे सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन 5 साल बाद। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में शिरकत की है। गहलोत ने समारोह में कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर काम करें। गहलोत ने कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। वहीं समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अजमेर नगर निगम के वार्ड 29 से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित पार्षद विजय सिंह गहलोत ने अपने परिजन और वार्ड के लोगों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर उनके छोटे भाई की पत्नी से छेड़छाड़ लज्जा भंग के आरोपों को नकारते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्षद विजय सिंह गहलोत का कहना है कि उनके छोटे भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रॉपर्टी विवाद के कारण बहकावे में आकर उन पर झूठे आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित कांग्रेस के पार्षद विजय सिंह गहलोत के खिलाफ उनके छोटे भाई की पत्नी ने छेड़छाड़ लज्जा भंग का आरोप लगाते अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बीकानेर में एसपी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट और पुलिस के बीच हुई वार्ता विफल रही है। हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि जब तक लाठीचार्ज के जिम्मेदार अफसरों को निलंबित नहीं किया जाता तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया, लेकिन हड़ताली डॉक्टर नहीं माने। अब बता दें कि छात्रा की मौत के बाद मेडिकल छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने प्रशासन को सुबह 8 बजे तक मांगे पूरी करने का वक्त दिया है। लक्ष्मणगढ़ में पंचायत समिति में महिला सदस्यों की बेरुखी साफ नजर आ रही है। शुक्रवार को पंचायत समिति में आयोजित बैठक में महिला सदस्यों की उपस्थिति ना के बराबर रही। दूसरी ओर अनुपस्थित सदस्यों के रिश्तेदारों ने बैठक में भाग लेकर औपचारिकता पूरी की। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान उर्मिला देवी ने की। बैठक में महिलाओं की कम संख्या पर प्रधान ने चिंता जताते हुए कहा कि जल्द व्यवस्था सुधारेंगे। इस बैठक में बिजली, पानी, कृषि और शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
राजधानी में नाराज शिक्षकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान शिक्षक संघ स्कूलों के समय बढ़ाने का विरोध कर रहा है और शिक्षकों की मांग है कि जो शिक्षक 2012 में नियुक्ति पा चुके हैं उनका वेतन मान नियमित किया जाए। रैली के बाद शिक्षकों ने एक सामूहिक सभा का भी आयोजन किया और दूसरी ओर इस रैली से कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया जिससे राहगीरों को खासी दिक्कतें हुई। साथ ही जाम में एम्बुलेंस फंसने से कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। तो समय वृद्धि को लेकर के विद्यालयों में जो समय वृद्धि की गई है इसको केंद्र के समान केंद्रीय विद्यालयों के समान ये इसको लागू करना चाहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि केंद्रीय विद्यालयों में जो सुविधाएं है चाहे वो भौतिक हो चाहे आर्थिक हो वो राजस्थान के शिक्षकों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। धौलपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही फिर एक बार सामने निकल कर आई है। यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने स्कूल के मेन गेट का ताला लगाकर कक्षाओं का बहिष्कार किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र छात्राओं की माने तो स्कूल में 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लंबे समय से शिक्षकों की कमी चली आ रही है। स्कूल में महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए लेक्चरार नहीं जिसके चलते छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने हंगामा काटा। इस बीच मौके पर SDM समेत पुलिसकर्मी पहुंचे, छात्र छात्राओं को समझाया गया जहाँ आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ। रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर सरकार ने सूबे की बहनों को रोडवेज में मुफ्त सफर करने की सौगात दी है। ऐसे में श्रीगंगानगर के कुछ बहनों के चेहरों पर खुशी है तो कहीं मायूसी। मायूसी की वजह श्रीगंगानगर में कई बसों का खराब होना। दरअसल इस वक्त रोडवेज की वर्कशॉप में 34 बसें ऐसी हैं जिनके पहिए जाम हैं। ये बसें इतनी जर्जर हैं कि चलने की हालत में नहीं है। ऐसे में सरकार की सौगात के बीच रोडवेज की बद इंतजामी आड़े आ रही है। बहरहाल मुफ्त सफर की उम्मीदें संजोए बैठी बहनें अब रोडवेज की बद इंतजामी को कोस रही हैं क्योंकि जिस तरह से वर्कशॉप में लगातार बसों का जमावड़ा लगा रहा उससे तो यही लग रहा है कि आम दिनों में भी रोडवेज का सफर करने के लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।